कहली बहनी खा पी ला, खाए पी तो कहीं नहीं दवाई खैनी है, चल गई बजरा काटे आ देख फांसी लगाए, घर वाले फोन करें तो खाई लाला से बतिया करन हमार कहा हमें तेनाल लोगन जवन के काम धंधा खातिर ओके पूरा खटावत रहना खाना पीना खातिर के ओने डाहा तू लागत रहनी है दाल ते ओना घर में कसले रात रहनी बिटिया के कह के और जवन के ओके रीना बनावे खातिर के ना देत रहनी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के कोतवाली क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत चौकी अंबारी के समीप एक ग्राम सभा है बलसिया, और यहाँ पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं जो पीछे भीड़ है कहीं ना कहीं आपको ये संबोधित करती है कि किस तरह से मामला आज के समय में बेटियों के साथ हो रहा है, क्या बात है। आखिर यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इस समय में जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं जो शादी करने के बाद में किस तरह से डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हैं कि अंत में वह फांसी लगा ले रही हैं, आखिर जानने की कोशिश करती हैं पीछे पीड़ित परिवार यानी जो मृतक परिवार की माँ है, देखिए बैठी हुई हैं जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी माता से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला था क्या, आखिर पूरा मामला काम था कि कात यहाँ पे करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में और पूछते हैं माता जी आपके लड़की के साथ में क्या हुआ था, क्या आपको लगता है कि क्यों किस वजह से वह फांसी लगाई है। अब भैया हम यहाँ काली बहनी खा पी ला, खाए पी तो कहीं नहीं दवाई खैनी है, चल गई बजरा काटे आ देख फांसी लगाए, घर वाले फोन करें तो खाई लाला से बतिया करन हमार कहा हमें अपने परिवार से बतीबे ना करें। हाँ अब कहाँ दौड़ दौड़ कहाँ, अब हरदम बीमार होली तो ठीक 3 साल में ये ठीक हो जाइए तब उनका परिवार कहाँ है तो के ना ले आया भाली वहीं पड़ी रहे। मतलब आपकी लड़की आपको बताती थी कि हमारे साथ में ये समस्या हो रही है। हाँ बतावा तो हम कहा बहनी ज्यादा घर घर की कहानी होती है, आगे पाछे आज ना कभी खिलबे करी तो रखबे करी है। हाँ अरे भाई ना सूझा था भाई बाप का सुनत हम क्या क्या करते थे उस लड़की के साथ में, क्या दुर्व्यवहार किस तरह से करते थे, क्या मारना पीटना इस तरह का उत्पीड़न। मारे पीटे तो सब ना मारे पीटे, खाली ससुर जी ये पर मार ले रहा ना, ये लड़का गोद में ले रहा हुआ मरने का चला गया हुआ। पर मर ले मतलब का देसी भाषा तो थोड़ा खुल के बताओ हम समझ ना पाओ। अगले साल में, अगले साल जैसे हुआ साल। अच्छा पर साल। हाँ पर साल। हाँ तो मान ले रहा जंगल लेके हमारे लड़का गिर गया खुने हो गया, खाली सास ससुर ज्यादा डहा तो उन्हें के अब जैसे तू पलवार हुआ तो नहीं सुनत रहा यहाँ पे। एक दादी हैं ये बताएंगी कि क्या मामला था। दादी आइए बैठिए, दादी देखिए यहाँ पे जानती हैं पूरा मामला, यहाँ बताएंगी। दादी आई हैं और इनसे जाने। हाँ दादी बताए आप क्या हैं, आप क्या हैं। लड़की बड़की मम्मी है, बड़की मम्मी है। क्या हो रहा था, क्या बात है, बात बताइए। बच्ची हमारे वहाँ रहत रही है तेनाल लोगन जवन है काम धंधा खातिर ओके पूरा खटावत रहना खाना पीना खातिर के ओने डाहा तू लागत रहनी है दाल ते ओना घर में कसले रात रहनी बिटिया के कह के और जवन है की ओके रीना बनावे खातिर के ना देत रहनी। बहुत सजा कहीं ना बिटिया वहाँ से कमी आई, मतलब खाना वाना बनाने के लिए हर जगह उत्पीड़न करते हैं। यथनी दुखी करे रहती रहनी है तो लड़की फोन करके रोती रही होगी बताती रही होगी आपको। बताती रही ना तेन कुछ सबूर करे जाती रहनी बिटिया तकलीफ उठावा कभो ना कभो तहर घर पर हो बे करी। अच्छा हाँ मतलब बर्दाश्त करते रहिए, सुन लीजिएगा महोदय बर्दाश्त करते रहिए शायद परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन आया नहीं, अंत में लड़की इस दुनिया से विदाई ले ली। आप बताइएगा 4 महीना के पेट में बच्चों भी, 4 महीना का बच्चा लड़की के पेट में था। बताइएगा कि कितनी बड़ी बात है, कितनी दुखद बात है, उस बच्चे का क्या कसूर था जो इस दुनिया में अभी आया नहीं था। एक बच्चा हुआ देखा गोद में रहा है वो छोड़ के, कितने मंथ का लड़का है ये हुआ जमन है की 2 साल का है, कितने दिन का है, 3 साल का है। 3 साल का एक लड़का है, 4 माह का लड़का पेट में था और पेट में वो जो बच्चा था उसका क्या कसूर था, वो तो दुनिया में अभी आया नहीं था, लेकिन किस रंजिश बस उसकी माँ अंत में इस दुनिया से विदाई ले ली, यानी फंदे पे लटक करके अपनी जान दे देती है। और यहाँ पे बच्चे को देख सकते हैं, बेटा मम्मी कहाँ पे, बोला बेटा बोला मम्मी ना मम्मी भगवान के घरे गई ए भैया बोला। आप जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे? नहीं भैया हम ना रहे, हम अपने घर से आवत है। हाँ फुआ है उनकर, अरे बहुत सतावत रही है, बहुत बुढ़िया बहुत सतावत रही है, हमें हमान से फोन करके बतियावत रही है। हाँ बहुत ज्यादा करत रही है तो कहे बहनी जाए देश नहीं आई है तो रहो गाँव से, अब ससुराल में से नहीं रे आई तो नहीं रे सही से रहो का करे का। अभी दिमाग टेंशन में आयल, फोन पताई में टेंशन में आयल, अपन फांसी लगा के मर गई।
का करी। यानी कितने दिन से मामला था, आप लोग कितने दिन से बर्दाश्त कर रहे थे? साल भर भैया सदिया भाई, 4 साल से मामला बर्दाश्त कर रही है। कभी ना रहा ससुराल में, कभी सुखी से ना रहा है, टेंशन खाली रहा है, खाली सुखी से ना जी रहे। हाँ आप देखिए कुछ ग्राम के लोग हैं, ये बताएंगे नहीं, बताइए मैं फीलिंग आप अपनी बता रही हैं, जो बताइएगा ठीक है। वैसे ऐसी बात नहीं है, सुनिए सुनिए आप मेरे वहाँ से, क्योंकि हमारा पीछे देखिए बोलने में सब शेर बन जाते हैं। मत बोलिए बीच में, ठीक है, बीच में मत बोलिए, हम बाइक ले रहे हैं, फिर बीच में मत एकदम मत बोलिए। हाँ ये बताइएगा आपके जो दामाद थे उनका क्या नाम था? नाम गोपाल, गोपाल 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 नाम था। सदिया लड़कियाँ कहाँ हुई थी? कोलपुर। हाँ कोलपुर, कोलपुर ये कहाँ पड़ता है? निजामबाद, आजमगढ़ जिला। हाँ निजामबाद। अच्छा ये बताइएगा जब शादी हुई थी तो लेन देन दहेज वहेज का ऐसा कोई मामला नहीं था? जब भाई जान रहा था दे है, चैन अंगूठी दे है, और गाड़ी के दाम दे ले 80,000 नगद दे है। और कोई रंजिश? और तो जाना था खीरी फ्रिज कूलर सब दी तो देवे कर खूनो बक्का बार, ये तो मिलवे कर रहा था। जो लड़की आत्महत्या कर ली है कोई और रंजिश थी कि सिर्फ यही प्रताड़ित करना इस वजह से वो आत्महत्या कर ली? नहीं और ना भैया और तो ना। मामला यही है महोदय, आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ के लड़की गई है और ना ही कोई ऐसा मामला है। और आपसे बताते हैं जिस तरह से घटना आपको देखने को हर जगह मिल रही है, आजमगढ़ बलिया मऊ गोरखपुर बनारस सुल्तानपुर, यानी भारत के हर कोने कोने में ऐसी घटना आपको देखने को मिल जाएगी। महोदय आपसे बताते हैं कि कहीं ना कहीं भी बेटियाँ जो है सुरक्षित अब नहीं रह गई हैं। कारड़िया है महोदय कि ससुराल वाले जिस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं वो बहुत दुखद है, और इस दुख की घड़ी में जो परिवार जितना बोल पाया बोला और बताया। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस मामले को शेयर करिएगा, बाकी की जानकारी जो भी यहां से अपडेट मिलेगी आपको दिया जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद।